हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक जब से तियांग से शादी हुआ है, वो बिल्कुल तियांग पर ध्यान नहीं देता है। तियांग वो अपनी बच्ची के साथ साथ पूरी फैमिली को संभालता है। वो घर का काम भी करता है और वो ऑफिस भी जाता है, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं करता है। और जंगकुक वो अपने काम में बिजी रहता है। उसको जब भी तियांग की ज़रूरत पड़ती है, तब वो बिना सोचे ही तियांग के साथ इंटीमेट हो जाता है। लेकिन तियांग ने कभी शिकायत नहीं किया कि वो थका हुआ है। लेकिन तियांग हमेशा अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट है। कोई भी काम वो परफेक्टली करता है, इसलिए सब लोग उसको बहुत पसंद करता है। लेकिन तियांग को अपना काम खुद करना पसंद है और साथ साथ पूरी फैमिली की भी। उसके बच्चे को स्कूल को लेकर जाने तक, घर पर लेकर आने तक तियांग सारा काम खुद ही करता है। तियांग पूरे दिन बहुत सारा काम करने के बाद वो बहुत ही थक गया था। लेकिन जंगकुक बिना सोचे ही तियांग के साथ इंटीमेट हो गए थे और तियांग बहुत ही थका हुआ है। उसको और भी सोने का मन कर रहा है, लेकिन सुबह हो चुका है। उसको उसकी बेबी को लेकर स्कूल जाना है। उसकी बेबी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। वो 5 साल का है, वो स्कूल में पढ़ता है। और तियांग उसको लेकर स्कूल जाने वाले इसलिए वो उठ जाता है। उसका मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो जाकर तैयार होने लगता है। जंगकुक वो अभी भी सो रहा था। तियांग जाकर तैयार होकर बेबी को उठाता है। उसके बाद उसकी बैग को तैयार करने के बाद उसके लिए टिफिन बॉक्स और ब्रेकफास्ट बनाता है। उसके बाद तियांग ने बेबी को भी तैयार किया और उसको लेकर हॉल में जाने ही वाला था ब्रेकफास्ट करने के लिए, लेकिन जंगकुक नींद से उठ गया और उसने तियांग से कहा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा, मुझे बेबी को स्कूल लेकर जाना है। तेकू की स्कूल का टाइम होने ही वाला है। जंगकुक ने कहा, मेरे लिए इंतज़ार करना, मैं अभी आ रहा हूँ। तियांग ने कहा, क्यों? जंगकुक कहता है, क्योंकि मैं अभी ऑफिस जाने वाला हूँ, मैं रास्ते में छोड़ दूंगा। तियांग ने कहा, ठीक है। और तियांग बहुत ही खुश हो गए। पहली बार जंगकुक तियांग को स्कूल छोड़ने वाला था, यानी बेबी को। तियांग के साथ वो भी जाएगा। पहली बार तेगुक के साथ तियांग और जंगकुक दोनों साथ में जाने वाला है। तेगुक जैसे उसको पता चलता है, वो बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, डैड वो भी मेरे साथ जाएगा, अपा बहुत ही क्यूट हो। लेकिन डैड बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। जंगकुक वो आकर सुन लेता है, कहता है, क्या हुआ, मैंने क्या किया है? तेगुक ने कहा, वो डैड तो, तियांग ने कहा, बस उसने यही कहा कि तुम क्यूट नहीं हो और कुछ नहीं कहा है। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, तो इसमें कौन सी बुरी बात है, क्योंकि मैं क्यूट नहीं हूँ और ना ही हो सकता हूँ, क्योंकि मैं हैंडसम और हॉट हूँ। तियांग जंगकुक को घूरे जा रहा था। जंगकुक तियांग को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम क्यूट नहीं होते तो मैं तुमसे शादी क्यों करता? और तियांग की गल पर किस करता है। तेगुक देखकर कहता है, डैड आप मुझे किस नहीं किया और आप अप्पा को किस कर रहे हो, मुझे नहीं कहना है क्या आपको? तो फिर जंगकुक ने तेगुक को भी किस किया और उसके बाद तीनों मिलकर तैयार हो गए। और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो तीनों निकलने ही वाला था। आर्यम और जिन ने कहा, जंगकुक तुम अगर तियांग को और तेगुक को लेकर स्कूल जाने ही वाले हो तो एक काम क्यों नहीं करते हो, वापस लाने के टाइम पर तुम ही उन दोनों को लेकर आ जाना, उसके बाद साथ में मिलकर सब लोग खाना खाएंगे। लंच साथ में करना बहुत ही अच्छा लगता है। तुम हमारे साथ लंच नहीं करते हो, सीधा डिनर पर आ जाते हो। जंगकुक ने कहा, मैं कोशिश करूँगा, मैं प्रमिस नहीं कर सकता हूँ। तियांग जाने से पहले जिन से कहता है, मैंने लंच बना दिया है और मैं बाकी का खाना आकर बना दूंगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आप रेस्ट करना। जिन ने कहा, कोई बात नहीं तियांग, तुम बहुत मेहनत करते हो और तुम बेबी को भी लेकर जा रहे हो, तुम्हें आकर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, मैं बाकी का काम कर लूँगा। जंगकुक इन सारी बातों को सुन रहा था। पहली बार जंगकुक ने तियांग पर ध्यान दिया। तियांग वो बहुत ही थका हुआ सा लग रहा था, लेकिन जंगकुक ने तियांग से कुछ भी नहीं कहा। तियांग और बेबी जंगकुक के साथ कार पर जाकर बैठ गए। लेकिन तियांग जैसे कार के पीछे की सीट पर बैठ जाते बेबी को लेकर, उसको अचानक नींद आ जाता है और वो बहुत ही गहरी नींद में सो जाता है। उसके ऊपर सर रखकर तेगुक भी सोने लगा, क्योंकि उसको भी नींद आ रहा था। वो बच्चा है, वो हमेशा स्कूल जाने के टाइम पर कार पर सो जाते हैं। तियांग उसको उठा देते हैं, लेकिन आज तो तियांग भी सो गया था। जंगकुक वो तियांग को घूरे जा रहा था, क्योंकि जंगकुक भी तियांग के साथ पीछे की सीट पे ही बैठा हुआ था। तियांग इतने प्यारे लग रहे थे सोते हुए। जंगकुक ने तियांग को देखते हुए कहा, तुम इतने क्यूट क्यों हो और तुम इतने थके हुए से लग रहे हो, मैंने कभी तुम पर ध्यान ही नहीं दिया, तुम सच में बहुत ही ब्यूटीफुल हो। तुमने हमारी शादी की 8 साल हो चुके हैं, लेकिन कभी भी कोई शिकायत नहीं किया है, आखिर एक इंसान इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? जंगकुक तियांग को सिर्फ देखे जा रहा था। ड्राइवर इन तीनों को इस तरह से प्यार से रहते हुए देखकर वो भी घूरे जा रहा था
और मन में ही सोच रहा था, आखिर तियांग जैसे लड़के ने जनकुक जैसे माफिया से शादी क्यों किया होगा। यहाँ पर जनकुक, वो मन में सोच रहा था, मैंने तियांग के साथ बहुत बुरा किया, मैंने उसको फोर्सफुली शादी किया, फिर भी तियांग ने कभी ये नहीं जताया है, उसने हमेशा मेरी फैमिली के बहुत किया है और मेरे बच्चे को बहुत ही अच्छे से परवरिश दे रहा है। मैं तो मेरे बच्चे पर और उस पर कोई फोकस ही नहीं करता हूँ, मैंने हमेशा अपने काम पर फोकस किया, लेकिन तियांग ने मेरे साथ साथ मेरी पूरी फैमिली और अपने ऑफिस के काम पर भी फोकस करते हैं। वो इतना सब कुछ कैसे संभाल लेता है, वो बहुत ही परफेक्ट इंसान है, वो बहुत कुछ डिजर्व करता है, लेकिन मैंने उससे सब कुछ छीन लिया, मुझे उसको वापस देना होगा, वो सब कुछ जो डिजर्व करता है वो। उसके बाद वो बेबी को बहुत ही प्यार से उठाता है, लेकिन तियांग को नहीं उठाता है। जनकुक ने बेबी को लेकर स्कूल पहुंचा दिया और बेबी से कहा, जब स्कूल छुट्टी हो जाएगा तुम बाहर मत आना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा और तुम्हारा अप्पा भी मेरे साथ ही है, ठीक है। और उसके बाद तियांग को कार पर ही सोने के लिए छोड़ दिया। ड्राइवर से कहा, तुम यहीं पर ही रहना और उसका ध्यान रखना, जब वो उठ जाएगा उसको कह देना मैं आने वाला हूँ उन दोनों को लेने के लिए और मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। तो ड्राइवर ने कहा, आप कौन सी कार लेकर जाओगे, क्या मैं आपको छोड़ दूँ। जनकुक कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, तुम यहीं पर ही रुको और इसका इंतज़ार करो, अगर वो उठ जाएगा तो उसको संभाल लेना, मैं आ जाऊँगा, मैं टैक्सी करके ऑफिस चला जाऊँगा। ड्राइवर बहुत ही शौक हो गया, जनकुक पहली बार टैक्सी में जाने वाला है, वो भी तियांग की वजह से, ताकि उसकी नींद खराब ना हो। उसके बाद जनकुक सच में टैक्सी लिया और ऑफिस चले आए। जनकुक पहली बार टैक्सी में आया था, सब लोग जनकुक को लेकर बातें बनाना शुरू कर दिया था, खास करके जेहोप उसकी टांग खींच रहा था। क्या हुआ, तुम आजकल टैक्सी में आ रहे हो, मैंने देखा है तुम अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करते हो ना। जनकुक कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हें किसने कहा कि मैंने तियांग के लिए कार छोड़ दिया। जेहोप ने कहा, वो मुझे ड्राइवर ने पहले बता दिया था तुम टैक्सी में आने वाले हो, मैंने उसको कॉल जो किया था क्योंकि तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो मेरे पास कोई और चारा नहीं था। जनकुक जेहोप से कहता है, मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ क्या, अगर तुम किसी को ना बताओ तो। जेहोप ने कहा, हाँ ठीक है ना, बताओ क्या पूछना चाहते हो। तो फिर जनकुक ने कहा, मैंने तियांग से वो सब कुछ छीन लिया है जो वो डिजर्व करता है, मैं उसको सब कुछ वापस करना चाहता हूँ। जेहोप ने कहा, क्या तुम क्या वापस करना चाहते हो। जनकुक कहता है, आज़ादी, मैं उसको आज़ादी देना चाहता हूँ जो वो डिजर्व करता है, मैंने उसको फोर्सफुली शादी किया है और उसकी लाइफ की सारी चैन छीन लिया और ऊपर से वो इतना सारा काम करते हैं, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था। जेहोप ने कहा, क्या इतने साल बाद तुम्हें अभी बुरा लग रहा है, इन 8 सालों में तुमने कभी तियांग पर ध्यान दिया है क्या। जनकुक ने कहा, वही तो, मैंने बहुत बुरा किया है और अभी मुझे उसको ठीक करना है। जेहोप ने कहा, तो तुम क्या करना चाहते हो। जनकुक कहता है, डिवोर्स। जेहोप बहुत ही शौक होकर कहता है, क्या आर यू मैड। जनकुक कहता है, यही एक सोल्यूशन है, अगर मैं उसको डिवोर्स दे दूंगा वो अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जी सकता है और मैं उसको कोई दबाव नहीं डालने वाला हूँ, वो जिस तरह से चाहे वो सब कुछ कर सकता है, मैं उसको पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जेहोप ने कहा, लेकिन जनकुक ऐसा सही नहीं होगा, 8 साल बीत चुका है, अब तो तियांग भी तुम्हारे साथ रहकर उसकी आदत हो गया होगा। जनकुक ने कहा, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मुझे उसको डिवोर्स देना है। जेहोप कहता है, या फिर कोई और मतलब है, तुम उसको डिवोर्स क्यों देना चाहते हो, क्या तुम इसीलिए देना चाहते हो क्योंकि तुम उसको आज़ाद करना चाहते हो या फिर कोई और बात है, कहे तुम यूनो के साथ। जनकुक बहुत ही गुस्से में आकर जेहोप से कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो। जेहोप ने कहा, क्या तुम सच में यूनो के साथ तो नहीं होना। जनकुक ने कहा, आर यू मैड, मैं यूनो को कभी पसंद नहीं किया है और नहीं कभी शादी करने वाला हूँ, अगर तियांग को डिवोर्स भी दे दूंगा ना, उसके 100 साल बाद भी अगर यूनो मुझसे शादी करने के लिए पूछेगा ना, तभी मैं उसको मना ही करने वाला हूँ। और तुमने कहा कि मैं यूनो के लिए तियांग को छोड़ना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं तियांग को तियांग के लिए ही छोड़ना चाहता हूँ। उसके बाद जेहोप ने कहा, ठीक है अगर तुम्हें ही सही लगता है, लेकिन तुम फिर से सोच लेना। जनकुक ने कहा, ठीक है मैंने फैसला कर लिया, मुझे और नहीं सोचना है। तेगुक की स्कूल छुट्टी होने का टाइम हो चुका था, तो जनकुक तियांग और उसकी बेबी को लेने के लिए स्कूल जाने वाला है और यहाँ पर जैसे आते हैं जनकुक ने देखा तियांग अभी तक सो रहा है। ड्राइवर ने जनकुक से कहा, वो अभी तक नहीं उठा है तो मैंने उसको नहीं उठाया। जनकुक कहता, अच्छा किया है, उसको उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। और तेगुक वो स्कूल के अंदर इंतज़ार कर रहा था। जनकुक तेगुक को लेकर कार में आकर बैठ जाता है और ड्राइवर को कार चलाने के लिए कहता है। अब वो लोग घर पहुँचने वाले थे, तियांग अभी भी सो रहा था। तेगुक कहता है, डैड अप्पा अभी तक सो रहा है क्या, क्या आपने उसको नहीं उठाया उनको। जनकुक ने कहा, तुम भी मत रोना, उसको रेस्ट करने दो,
मैं उसको घर पर जाने के बाद ही उठाऊंगा। तियांग नींद में जनकुक की शोल्डर पर सर रखता है और वो बहुत ही गहरी नींद में सो जाता है। जनकुक तियांग को इतनी प्यार से सोते हुए देखकर उसको भी अच्छा लग रहा था। चलो, वो तियांग के लिए पहली बार कुछ अच्छा तो कर रहा है। जनकुक को सुकून मिल रहा था। तेगुक ने कहा, डैड मुझे आइसक्रीम खाना है। जनकुक कहता, अभी नहीं, घर जाने के बाद। लेकिन तेगुक बहुत ही जिद कर रहा था और तियांग की नींद टूटने वाला था। जनकुक ने तियांग के सर पर हाथ को सहलाते उसको फिर से सुला दिया और तियांग बहुत ही गहरी नींद में सो जाते हैं। उसकी नींद अभी भी बरकरार था और उसके बाद जनकुक ने तेगुक से कहा, चुप करके बैठे रहो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। और जनकुक कार से बाहर निकलते हैं और बहुत सारे आइसक्रीम लेकर आ जाते हैं और तेगुक से कहता है, तुम इसको खाना लेकिन कोई शोर मत करना, बिल्कुल चुप रहना। तेगुक ने कहा, ठीक है डैड, आज आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो, मुझे ऐसे ही डैड पसंद है, लेकिन आप बहुत ही खरुस तरीके से रहते हो, मुझे वो पसंद नहीं। जनकुक ने कहा, तेगुक अगर तुम्हें मुझ में और तुम्हारे अपा में से किसी एक को चुनने को मिले, तुम किसको चुनने वाले हो? तेगुक ने कहा, मैं समझा नहीं डैड। तो जनकुक ने कहा, या मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे अपा के साथ तुम्हें दूर रहना पड़े और या फिर तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहना चाहते हो, तुम किसके साथ रहना पसंद करोगे? क्या तुम तुम्हारे अपा के साथ दूर जाना पसंद करोगे या फिर मेरे साथ मेरे घर पर रहना पसंद करोगे? लेकिन डैड, अप्पा दूर क्यों जाएगा? तो जनकुक ने कहा, तुम्हारे अप्पा को काम से बाहर जाना है और इसीलिए तुम किसके साथ रहने वाले हो, बताओ मुझे। तेगुक ने कहा, मैं आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे किसी एक के साथ नहीं रहना है, मैं नाराज़ हो जाऊँगा अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो। मुझे आप दोनों के साथ में रहना अच्छा लगता है, चाहे आप कितने ही खरुस क्यों ना हो, फिर भी मैं आपके साथ भी रहना चाहता हूँ। और जनकुक को हक कर लिया। जनकुक बहुत ही पहली बार इमोशनल हो रहा था। वो तियांग को देखकर भी इमोशनल हो रहे थे, लेकिन जनकुक ने फैसला कर लिया, वो तियांग को डिवोर्स देगा ताकि तियांग अपनी लाइफ को खुलकर जी सके। जैसे जनकुक तियांग को लेकर घर आ जाता है, तियांग क्योंकि अभी तक सो रहा था, जनकुक ने तियांग को गोद में उठा लिया और उसको घर के अंदर लेकर आने ही वाला है, लेकिन तियांग की नींद टूट जाता है और तियांग ने जनकुक से कहा, क्या हुआ, मैं इस तरह से तुम्हारी गोद में क्यों हूँ, मुझे नीचे उतारो। वो बहुत ही शाही हो जाते हैं। जनकुक ने कहा, तुम उठ गए, ठीक है जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद लंच कर लो और फिर से सो जाना, तुम्हें कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं। तियांग कहता है, क्या मतलब, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? जनकुक ने कहा, अगर तुम्हारी कोई काम है तो मैं कर दूंगा, तुम जाकर सो जाना, ठीक है, अभी जाकर फ्रेश हो जाओ और खाना खा लो। तियांग ने कहा, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? और तेगुक कहा है, हम लोग तो स्कूल पर थे ना, और मैं तुम्हारी गोद में घर पर क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या हुआ है? जनकुक मुझे सच बताओ, क्या हुआ मुझे, कहीं मुझे चक्कर तो नहीं आ गया था? तो तेगुक ने सारी बातें कह दिया, अब आप सो रहे थे। और उसके बाद तियांग ने कहा कि शिट, मैं इतनी देर तक सोते रहा, जनकुक तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, और तेगुक तुमने भी नहीं उठाया है? तो तेगुक ने कहा, डैड ने मना किया था, डैड को आपकी फिक्र थी। तियांग सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, पहली बार जनकुक उसके लिए क्या कर रहा था, जो तियांग को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जनकुक ने अपने हाथों से तियांग के लिए खाना सर्व किया और उसको खाना खिलाने के बाद सोने के लिए फिर से कह दिया। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे नहीं सोना है, मैंने बहुत देर तक सो लिया, अभी मुझे तुम लोगों के साथ बातें करना है। जनकुक कहता है, ठीक है, सबके डिनर ख़त्म होने के बाद हम सब लोग बैठकर बातें करने वाले हैं, मैं सब लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? जनकुक तुम आज बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या? अगर कोई बात है तो बताओ ना, इंतज़ार क्यों कर रहे हो? जनकुक ने कहा, नहीं अभी नहीं, सबके खाना ख़त्म होने के बाद हम लोग हॉल में जाकर बातें करेंगे और यहाँ पर कोई बात नहीं होगा अभी, सब लोग अच्छे से खाना खा लो। तेगुक वो अपने हाथों से खाना खा रहा था। जनकुक ने कहा, क्या तुम अच्छे से नहीं खा पा रहे हो, चलो मैं तुम्हें खिला देता हूँ। उसके बाद बेबी को खाना खिलाता है। तेगुक बहुत ही खुश हो रहा था जनकुक की इतना क्या देखकर। जीन और आर्यम ने जनकुक से पूछा, क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम तो बिल्कुल ऐसे नहीं हो ना, लेकिन आज बहुत ही अलग लग रहे हो, क्या हुआ, कुछ बात है क्या? जनकुक ने कहा, डिनर करने के बाद सब लोग हॉल में आ जाना, वहाँ पर आने के बाद ही आप लोगों को पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद सब लोगों ने खाना ख़त्म करते हुए हॉल में आ गए और बैठ गया और जनकुक का इंतज़ार करने लगा। जनकुक ने जेहूब को कॉल कर दिया था। जेहूब डिवोर्स पेपर लेकर पहुँचने ही वाला था। जनकुक ने सबसे कहा, आप लोग पहले थोड़ा सा बैठ जाइए, जेहूब आने ही वाला है। जैसे जेहूब आ जाता है, सब लोगों ने कहा कि तुमने जेहूब को क्यों बुलवाया है और जेहूब तुम्हारे हाथ में क्या है? तो जेहूब ने कहा,
वो ये डिवोर्स पेपर है। जेब की बात सुनकर बहुत ही शौक हो गए सब लोग, खास करके तियांग बहुत ही शौक होकर जेब से पूछता है, तुमने कुछ दिन पहले ही शादी किया था ना, और अभी तुम डिवोर्स भी देने वाले हो, जेब आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जेब ने कहा, क्या मैं क्यों डिवोर्स दूंगा, वैन बहुत ही अच्छी लड़की है, मुझे वो बहुत पसंद है, मैं उसको डिवोर्स नहीं दूंगा, मुझे उसके साथ पूरे साल बिताना है, जब तक मैं मर नहीं जाता हूँ, मरने के बाद भी मैं उसी के साथ ही रहना चाहता हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। तियांग ने कहा, फिर तुम्हारे हाथ पर डिवोर्स पेपर क्या कर रहा है, और ये किसके लिए तुम यहाँ पर लेकर आए हो? तो जंगकुक ने कहा, मैंने लाने के लिए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाला हूँ। तियांग बहुत ही शौक होकर सोफे पर बैठ जाते हैं, और तेगुक वो तियांग को देखकर कहता है, क्या हुआ अप्पा को, वो इतना शौक क्यों लग रहे हैं? तियांग बिना कुछ बोले अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था। आर्यमो जिन बहुत ही गुस्सा होकर कहता है, जंगकुक आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तियांग को डिवोर्स पेपर देने के बारे में सोचने की भी, तुमने ऐसी फैसला कैसे कर सकते हो? तियांग तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया है, 8 साल तक उसने अपने खून पसीना एक कर दिया और तुम हो कि उसको डिवोर्स देना चाहते हो? क्यों? जंगकुक ने कहा, इसीलिए तो मैं डिवोर्स देना चाहता हूँ। तियांग कहता है, क्या मैं समझा नहीं? तो जंगकुक ने तियांग को सारी बातें समझाया, वो उसको डिवोर्स क्यों देना चाहता है। तियांग ने उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था और जंगकुक से कहा, क्या तुम मुझे 8 साल पहले मैं जैसा था, क्या तुम मुझे फिर से वैसा बना सकते हो क्या? जो मैं बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही नादान और मैं इनमेच्योर था, क्या तुम मुझे फिर से वैसे ही बना सकते हो क्या? मेरी वो जवानी लौटा सकते हो क्या? क्या तुम मेरी वर्जिनिटी को मुझे लौटा सकते हो क्या? जंगकुक ने बहुत ही शौक होकर तियांग से कहा, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हो, तुम खुद भी जानते हो। तियांग ने कहा, फिर तुम मुझे डिवोर्स कैसे दे सकते हो, और तुम मुझे एक कैसे बोल सकते हो कि मुझे अपनी लाइफ को पहले की तरह फ्रीडम तरीके से जीना चाहिए? मैं पहले की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, 8 साल बीत चुका है, मैं बदल गया हूँ। 8 साल पहले की तियांग और अभी की तियांग में बहुत फर्क है। 8 साल पहले की तियांग अपने बारे में सोचता था, अपने लिए कुछ करना चाहता था और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता था, लेकिन अभी की जो तियांग है वो अपने लिए नहीं, वो अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चे के लिए और अपनी पूरी फैमिली के हर मेंबर्स के लिए जीना चाहता है, सबको खुश रखना चाहता है, और सभी की खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं अब पहले की तरह बिल्कुल नहीं रहा, अगर तुम मुझे वो फ्रीडम देना ही चाहते हो तो मुझे पहले की तरह बना दो जो मैं पहले हुआ करता था, बहुत ही इनमेच्योर, बहुत ही छोटा सा लड़का, बहुत ही इनोसेंट और वर्जिनिटी, क्या तुम लौटा पाओगे? जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, तो फिर तुम मुझे डिवोर्स देने का हक भी नहीं रखते हो, तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते हो, अगर डिवोर्स देना है तो सब कुछ लौटाने के बाद ही तुम्हें मुझे डिवोर्स देना पड़ेगा। जंगकुक कहता है, तब तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें, तियांग ने कहा, मैं बस तुम्हारा साथ चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, लेकिन मैंने इन 8 सालों में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, बस तुम्हें यूज़ किया। तियांग ने कहा, तुमने आज मेरे लिए जितना किया है ना, इसका अगर 1% भी तुम मेरे लिए करते हो ना, मेरे लिए काफ़ी है, तुम्हारे साथ रहने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगा और ना ही कभी हुआ है, बस मैं तुम्हारा 1% प्यार चाहता हूँ। तुमने इन 8 सालों में मुझसे जितना प्यार नहीं किया और जितना क्या नहीं किया, वो आज एक दिन में ही तुमने कर दिया, अगर इसका 1% भी मेरे लिए हर रोज़ करोगे ना, मेरे लिए वही काफ़ी है। जंगकुक वो तियांग को हक कर लेता है। तियांग ने भी जंगकुक को दोनों हाथों से कसके पका लिया। तेगुक उन दोनों को इस तरह से देखकर वो भी उन दोनों को जाकर हक कर लेता है। तो फिर जंगकुक ने तेगुक को गोद में उठा लिया और उसको गोद में उठाने के बाद तियांग को एक हाथ से कसके पका लिया। तीनों एक दूसरे को हक करके खड़ा हुआ था। आर्यमो जिन इन तीनों की प्यार देखकर आंखों से आंसू निकल रहा था। जिहो भी इन तीनों की प्यार देखकर वो अपनी वैन को मिस कर रहा था और वो यहाँ से चले जाते हैं अपने घर वैन के पास और जाकर वैन को पीछे से हक कर लेता है। कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से पीछे से हक क्यों कर रहे हो और इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? जिहो ने कहा, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। वैन ने कहा, क्या हुआ है तुम्हें आज? जिहो ने कहा, कुछ भी नहीं। वैन ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और दोनों एक दूसरे को किस कर रहा था। यहाँ पर जंगकुक तियांग को गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर आता है। तेगुक जिन और आर्यम के साथ था, वो उन दोनों के साथ मस्ती कर रहा था, लेकिन जंगकुक तियांग को बेडरूम में लेकर आने के बाद उसको बहुत ही प्यार दे रहा था जो तियांग को चाहिए होता है, और वो
बहुत ही जेंटली और बहुत ही क्यूट तरीके से था। तियांग को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रहा था, वो बहुत ही इंजॉय कर रहा था, जैसे कि दोनों लाइफ पार्टनर साथ में करते हैं। तो इसी के साथ ही डी एन कहता हूँ, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।